हमारे बीच में फिर पहुंचे हैं बहुत ही भारत की और बन श्याम वर्ल्ड के डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के महान खिलाड़ी ग्रेट खली बिंदु दारा सिंह के सपुत्र जिन्होंने हनुमान का रोल किया था महाभारत और रामायण आज एक जगह इकट्ठी है भाई और उनके पुत्र अर्जुन आपके बीच में और कौन निकाल रहा सब बहुत ज्यादा फिल्मों की रोल तो रहे हैं नेगेटिव पर आप सभी जानते हैं आवाज के धनी रणजीत सिंह और डॉली बिंद्रा और फिरोज खान जी भी यहाँ पहुंचे हैं हमारे हिंदुस्तान के आन बान शान गली जी के लिए जोरदार तालियां अर्जुन जी भी यहाँ पहुंचे हैं बार बार धन्यवाद है कुंती पुत्र जी का इतनी तारीफ की जाओ तो कम और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा और डॉली जी की मदद भी यहाँ पहुंचे उनका भी धन्यवाद है रणजीत सिंह जी बोल बजरंग बली की पिछले साल आया था आज तो उससे ज्यादा भी आप लोगों का प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा लगा मैं फिल्मों में क्या काम करता हूँ आप सबको मालूम है वीडियो लाइव और उसके बाद मेरा क्या असर होता है वो भी आपको मालूम है मान साहब का दलबीर साहब का सिकंदर का अशोक भाई साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और डॉली जी का भी बड़ा शुक्रगुजार ये पकड़ लो इन्होंने मेरे सारे डॉली जी का फोन है लाइव चल रहा है थैंक यू संकट मिटे हरे सब पीड़ा दूर करे कष्ट हनुमत कबीरा बोल हो जाए जयकारा हो जाए सब तैयार है जरा एक मिनट म्यूजिक कम करिए जयकारा हनुमान जी का जहां लगाएंगे आज उनके जन्मदिन में उनको याद करते सारे भक्त आए हुए हैं मान परिवार जिस धूम से मचाता आप सबको इतना प्यार और इतनी मोहब्बत से यहाँ पर इतने साथ सब पूरा परिवार आए हैं तो बोले बजरंग बली की फिर से बोले जय बजरंग बली की बोले पवन पुत्र हनुमान की अच्छाई से बुराई को हटाने वाले पवन पुत्र हनुमान की बलवान कौन हनुमान जय हो मम्मा मेरी माँ आप लोग के आपको दो शब्द इनको क्या कहते हैं वो इनको आशीर्वाद मिला है हनुमान जी का मम्मी को मम्मी दो शब्द कहेंगी आपको सबको मेरे प्रणाम हनुमान जी का मुझे बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है उसी की कृपा से सब मान खान जी मुझे यहाँ पे बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने वरदान दिया है कि जो भी कष्ट में हो उसको अमृत बना के हनुमान जी का चालीसा पढ़ के पिलाओ तो वो उनके दुख दूर हो जाते हैं हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था कि एक इंसान के प्राण नहीं जा रहे थे तो हनुमान जी ने हमें प्रार्थना करने को कहा और उनकी प्रार्थना से अमृत बना के हमने दिया हमने हनुमान जी से कहा कि आपकी इच्छा इनको जीवन दे दो या इनको मिट्टी दे दो ये आपकी इच्छा के ऊपर है लेकिन अमृत पीने के बाद ही उन्होंने हे राम बोला और उनके प्राण निकल इसी वजह से हनुमान जी की बहुत कृपा है हनुमान जी की जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय श्री राम जोरदार हो जाए पता चले कितने सारे यहाँ पे भक्त आए हैं पवन पुत्र हनुमान की जय
मैं बिंदु भैया को माइक देना चाहूंगी। बिंदु दारा सिंह जी, श्री रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। ये हरियाणा की धरती है, यहाँ तो कभी कोई रावण पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से तो हनुमान जी आके उसका शीश उठा के सीधा ही पता नहीं कहाँ फेंक देंगे। ये जाटों की धरती है, यहाँ कोई रावण पैदा नहीं होने वाला। तो बस आप सबसे मेरा बहुत बहुत प्यार, ऐसे ऐसे गाने सुने, बड़ा मजा आया। और जब भी मुझे लगता है कि हनुमान जयंती होती है तो बहादुरगढ़ हमारे दिल के बड़ा करीब है, हर साल यहाँ पहुंचेगी आप सबके बीच। और बहुत मजा आया इस बार देख के इतने सारे लोगों को। मुझे लगता है हर बार मान साहब को बोलना पड़ेगा अगले टाइम ये फार्म हाउस को थोड़ा और 2-3 एकड़ खरीद ले, क्योंकि रश बढ़ने वाला है। ये अब हनुमान जयंती की एक हमारा स्थल बन गया है। आप सब बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ बहुत मजा आया। तो एक बार फिर से जोर से हो जाए तो बोलो श्री पवन पुत्र हनुमान की। अब महाभारत में जिसने अर्जुन का किरदार निभाया था, हमारे पिताजी के साथ काम किया था, उसी अर्जुन हमारे भाई हैं, वो आए। वो तो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, उन्हें लगता है गाना भी गाना चाहिए। 2 लाइन अर्जुन जी आ जाओ। हरियाणा के इस तमाम धरती पे मौजूद मेरे तमाम पांडव भाइयों बहनों बच्चों, आप सबको स्कूल की फोटो अर्जुन का प्रणाम। तालियों में कोताही मत करिएगा प्लीज। और अब मैं क्या श्रिल क्यों मार रहा है, और मैं अब आगाज करता हूँ, इसका शुरुआत करता हूँ। आप लोग मेरे साथ मिलकर कहिए जय श्री राम। मजा नहीं आया? जय श्री राम। हनुमान जी जिस तरह से राम जी में बसे थे, ठीक उसी तरह से अर्जुन कृष्ण में बसे थे और कृष्ण अर्जुन में थे। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज हनुमान जी का दिन है, आज राम जी का भी दिन है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ इस पावन धरती पर मुझे जो बुलाए हैं। सबसे पहले तो मैं डॉली जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को इधर, अरे यार ये श्रील बहुत कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी भाई, बहुत श्रील हो रही है। मैं डॉली जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ लाया बुलाया, और जिन्होंने इस चीज को हर साल आपके समक्ष रखा है, अच्छे अच्छे लोगों को भाई। मेरे से तो नाराजगी तो नहीं है ना भाई? मैं मान परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, दलबीर जी का, अशोक जी का और सिकंदर भैया का, साथ में उनके जो बहुत ही गबरू बेटे हैं विराट, पारस, आर्यन, सूर्या, अभी तो पूरा खानदान बोल गया है। एक गाना अगर आप लोग सुनना चाहोगे तो मैं 4 लाइन उसकी गाना चाहूंगा। देखिए ये गाना आप सबकी नजर है, क्योंकि ये हकीकत है कि आपके आने से ही बाहर आती है और आपके जाने से ही बाहर चली जाएगी। तो आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं? ओके। जाए बा
वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी हमें बुलाया जाए और हम इसी तरह से आपको जय श्री राम। ठीक रहन को न देव तेरी आखिए दुनारी मैं रंग रूप तन कर दिए सूट तेरे फेस दे सिकंदर बॉडी एक संस्कारी आ जा मैं दूसरे जगह अरे छू रहे थे यो जेंटल तेरे सिर पर दिया मेंटल अरे छोड़ा था यो जेंटल तेरे स्किन पर